हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिव फ्रॉम मरीन लाइफ विद शिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी हॉबी अच्छी चल रही होगी। आज का जो वीडियो है गाइस, वो एक रिक्वेस्ट के ऊपर है। CP25, यस गाइस, क्रॉस फ्लेम वेव मेकर के ऊपर आज का जो वीडियो है, ये रिक्वेस्ट है कि इसको किस तरह से ओपन करें और किस तरह से इसको साफ करें, यानी कि किस तरह से इसको मेंटेन करें। तो चलते हैं गाइस और जानते हैं किस तरह से इसको ओपन करना है, इसको खोलना है और इसकी सर्विस करनी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों ने सब वीडियोस देखी होगी, DIY फूड, DIY मरीन लाइट, DIY रीफ लाइट। होप आपको अच्छी लग रही होगी गाइस, आपका इसी तरह से प्यार मुझे देते रहिए। आई एम हैप्पी दैट आई कैन हेल्प यू आउट। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है बट पूरी वीडियो देखते नहीं है, है ना? आप लोग सोचते हैं कि बस सीख गए, लेकिन कोई भी इंसान कभी भी पूरा नहीं सीखता है हर एक चीज, क्योंकि मैं भी आज सीख रहा हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। डेली कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलता है गाइस। तो आप भी ये मत सोचिए कि वीडियो देख लिए सब कुछ नॉलेज आ गया है, सीख गए हैं, नहीं सीखे हैं। देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न स्टिल। सो आज का जो वीडियो है वो है CP25 को ओपन करना और सर्विसिंग करना। तो चलते हैं गाइस, जानते हैं किस तरह से उसको सर्विस करना है और ओपन करना है। CP25 क्रॉस फ्लो वे मेकर को ओपन करने के लिए गाइस, आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और साथ में एक ब्रश, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया वेव मेकर को साफ करने के लिए आपको क्या करना है। ऑलरेडी हमने वेव मेकर जो है क्रॉस फ्लो को हमने सॉल्यूशन में डिप किया है। सॉल्यूशन क्या है? एसिड और हमारा घर का विनेगर, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो लिंक आप चेक कर लीजिएगा। पुराने वीडियो उसके पहले का जो है उसमें मैंने आपको बताया किस तरह से कैसे रखना है इसको। 24 आवर्स के लिए ऐसे छोड़ देना है आपको। अब साइड का जो आप कैप देख रहे हैं उसको इस तरह से प्रेस करके आप निकाल लीजिएगा। नाउ इस बात में आपको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं है। आप साइड में जो इसके लॉक देख रहे हैं, जहां पे साइड ग्रिप है, इसको अच्छी तरह से आप रोटेट कीजिए और इस तरह से इसको निकाल लीजिए। यस, अब आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी चीज आप जब निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर आपका ग्रिप प्रॉपर रहे। अब आप देखेंगे इजीली आपका राइट साइड का जो फ्लो है वो कैप निकल जाएगी। थोड़ा सा आप घुमाएंगे उसके बाद वो फ्लो कैप निकल जाएगी गाइस। इसके अंदर रोटेटर है, इसके अंदर ब्लेड है, फैन जो आपको वेव्स क्रिएट करता है। आपके जो ब्लेड्स कवर है उसको आपको पूरा ओपन नहीं करना है गाइस। पूरा ओपन करेंगे तो आपको उसमें लॉक्स उसके टूट सकते हैं, तो इसके लिए आप जो है कभी भी ध्यान दीजिएगा, इसको आप खोलने की कोशिश मत कीजिएगा। आप विनेगर सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ऑलमोस्ट उसका जो एल्गे है, जो भी उसके ऊपर आया है, वो पूरा निकल जाएगा। अब आपका जो मैग्नेटिक रोटेटर है उसके ऊपर का जो ये कैप है,
वो आप निकाल दीजिएगा। ये साइड से हम लोग आपको प्रेस करके देखते हैं निकलता है कि नहीं। ओके, दोनों साइड प्रेस होएगा मैग्नेट। आप पहले एक बार प्रेस करके देखिएगा किस साइड का निकल रहा है, तो वो साइड आप प्रेस कीजिएगा, और अंदर के साइड में जैसे मैं कर रहा हूँ वो मत कीजिएगा। आप नॉर्मली इस तरह से इसको प्रेस करके निकाल लीजिएगा। ये देखिए, आप मैग्नेट को प्रेस करेंगे रोटेटर को तो आराम से निकल जाएगा। अब इसका जो व्हील है जिसके बीच में आपका मैग्नेट रोटेटर घूमता है, वो आप प्रेस करेंगे तो आराम से उसको निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से आपको आपका मैग्नेट रोटेटर निकाल लेना है। अब देखिए, जैसे कि हमने इसको सर्विस के लिए ओपन किया तो इसमें ये समझ में आ गया कि जो हमारा मैग्नेट रोटेटर है, जो अंदर व्हील है इसका मैग्नेट का, उसके अंदर एक क्रैक है ना गाइस। तो हमने देखा तो हमको समझ में आ गया कि मैग्नेट में प्रॉब्लम आ रही है। अब ये टाइम पे ही हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे और इसके लिए एक नया मैग्नेट रोटेटर मंगा लेंगे, है ना। ये तो अच्छा हो गया, हमने देखा इसको, खोला तो समझ में आ गया, तो इसको हमने ऑर्डर कर दिया। नेक्स्ट डे हम लोग इसके लिए नया मैग्नेट रोटेटर मंगाया है। अब ये देखिए, नया मैग्नेट रोटेटर इसका आ गया है। ऑनलाइन कहीं पे भी आप अवेलेबल है गाइस, इसके कंपनी ऑनलाइन पे आप जाएंगे तो वहाँ से इसको मंगा सकते हैं। अब इसको हमने मंगाया, लेकिन आप प्रॉपरली इसको एक बार वापस चेक कीजिएगा कि आपका जो पुराना वाला मैग्नेट रोटेटर है अंदर का, वो और ये सेम होए। उसके बाद आप हर एक पार्ट को ध्यान से रखिएगा गाइस, कोई भी पार्ट को आप कहीं पे भी ऐसे मत छोड़िएगा। अब साइड में जो आपका रोटेटर है उसके अंदर का जो व्हील रोटेटर है, जो व्हील कैप है, जो साइड में उसके एजेस हैं, उसको आप प्रॉपरली अच्छी तरह से लगा लीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, इस तरह लगाने के बाद आप अच्छी तरह से उसको लगा के आपके मैग्नेट को फिर उसके अंदर आप प्रेस करके डालिएगा। इस तरह से आप अच्छी तरह देखिए किस साइड लगेगा। आप उसको उल्टा फिट मत कीजिएगा, आप उसको देखिए कौन सी साइड बैठेगा प्रॉपरली, कौन सी साइड फिट होएगा। उसके एजेस में ग्रिप्स हैं, वो ही ग्रिप आप लगाइएगा और वो ही ग्रिप को आप अच्छी तरह से फिट कीजिएगा। अब जबकि हमने एक साइड फिट कर लिया है, अपर साइड भी इसको लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपका मैग्नेट अच्छी तरह से अंदर फिट हो चुका है ना। देखिए बोथ द साइड्स। अब इसको थोड़ी, एक दिन आपने 24 आवर्स वापिस पानी में रखा हुआ था हमने, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत पानी का गीलापन, एक चिकनाहट आ जाती है, तो इसके लिए हमने ब्रश से उसको साफ कर लिया है। अब सेम आपका जो रोटेटर है, जो आपका मैग्नेट व्हील है, मैग्नेट रोटेटर है, उसके ऊपर आपको ग्रिप जो है, जो आपके फैंस को रोल करेगा, उसको प्रॉपरली आप लगा लीजिएगा बोथ द साइड्स। लॉक प्रॉपर फिट होने चाहिए गाइस, ये आप देखिएगा कभी भी, और ग्रिप प्रॉपर पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने थोड़ा लूज लगा दिया, नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए बट उसको प्रॉपरली आप लगाइए। लगाने के बाद बोथ द साइड से आप उसको प्रेस कीजिए और एक बार घुमा के देखिए इस तरह से। ये देखिए घूम रहे हैं ना गाइस, दोनों, यस, दोनों अच्छी तरह से घूम रहे हैं, अच्छी तरह से फिट हो गए हैं। अब इस तरह से आप अगर जो सर्विस करते रहेंगे आपके क्रॉस फ्लो वे मेकर को, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जो नहीं देखते तो उस हिसाब से प्रॉब्लम आ जाती है ना गाइस। अब मैग्नेट रोटेटर के अंदर जो आप देख रहे हैं इस तरह से ग्रिप्स आते हैं, तो वो ग्रिप आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ओपन करेंगे तो प्रॉपरली आप उसके ग्रुप को प्रॉपरली चेक कीजिए और उसी तरह से उसको लगाइएगा। ये देखिए, अब ऑलरेडी हमने लगा चुका है, तो थोड़ा सा हम वापिस इसको अंदर से साफ कर लेंगे। इस तरह से आप ऊपर से साफ करेंगे तो ऑलमोस्ट विनेगर और सिट्रिक एसिड ने अपना काम कर चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ भी डस्ट रह जाता है, तो उसको आप ब्रश की हेल्प से डीप क्लीन करके साफ कर सकते हैं गाइस।
अब इस तरह से आप साफ करेंगे और इसको लगाने के लिए रेडी रखेंगे गाइस। तो अब इसको हम लोग लगा लेते हैं। अब आपके जो व्हील रोटेटर्स हैं, आपके जो फैंस हैं, उसको आप अच्छी तरह ग्रिप प्रॉपर लगा के उसको रोटेट कर लीजिए इस तरह से। ये देखिएगा कि आपका जो ब्लेड है वो प्रॉपरली घूम रहा है या नहीं। उसी तरह से आपका दूसरी साइड का भी व्हील कैप अच्छी तरह से लगा लीजिएगा और उसको लॉक कर दीजिए। आपके जो दोनों साइड के जो एरोज हैं, आपके जो पोजीशंस हैं क्रॉस फ्लो की, वो प्रॉपर होनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए बैक साइड में आपके उसके एजेस रहेंगे एंड जहां से फ्लो ना हो, और बाकी साइड में फ्लो रहेगा। अब इसके बाद इसका जो कैप है उसको रबर कैप, ये जो रबर कैप है इसको बाद में आप अच्छी तरह से धो के साफ करके लगा लीजिएगा। अब इसकी जो बॉडी है, बॉडी में हम अपने क्रॉस फ्लो को फिट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर ग्रिप है, इसको आप रोटेट करेंगे और अच्छी तरह से इसको वापस फिट कर लेंगे। आप थोड़ा भी ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, आराम से। लॉक का काम फिटिंग्स का रहता है, वो आराम से फिट होते हैं गाइस, तो आप उसी तरह से इनको फिट कीजिएगा। अब हमारा क्रॉस फ्लो वे मेकर उसकी बॉडी में फिट हो चुका है। तो एजेस के जो कवर्स हैं, कवर्स को आपको ऊपर की साइड से प्रेस करना है और नीचे उसके लॉक में फिट करना है। ये देखिए नीचे एक लॉक दिख रहा है आपको, आप नीचे की साइड से प्रेस करके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऊपर साइड से। ये देखिए इस तरह से निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ वापिस। ये देखिए निकाल के ऊपर साइड से आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रॉपरली ये हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए हमने नीचे से ऊपर प्रेस किया, ये देखिए हो गया फिट है ना। उसी साइड से दूसरी साइड का भी हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे और इसको फिट करेंगे। ये देखिए बेस साइड में आप इसके लॉक को लगाइए, लॉक किया एंड ऊपर की तरफ प्रेस कर दिया। अब आपका जीबो क्रॉस फ्लो CP25 सर्विस होके रेडी है। इस तरीके से आपको अपना वे मेकर साफ करना है गाइस। तो हो गया बिल्कुल नया जैसा आपका जीबो का CP25 के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और वेव मेकर को किस तरह से साफ किया जाता है, किस तरह से एसिड डाला जाता है, किस तरह से विनीगर डाल के उसको साफ करना है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह से आपका वेव मेकर नया जैसा बन जाएगा। हो गया ना प्रॉपर सर्विस इसकी। चलते हैं अब इसको लगा लेते हैं। ओके गाइस, सो होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गाइस बाय, हैव ए हैप्पी मैरिड लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।